प्यारे विद्यार्थियों, पंजाबी दी जमात विच तुहाडा स्वागत है। अज आपां पढ़ांगे तुहाडा पाठ नंबर 3, थॉमस अल्वा एडिसन। पिछली वीडियो दे विच आपां इस पाठ बारे पढ़िया सी, ते अज आपां इसका अभ्यास हल करांगे। सो पहला ने साडे मौखिक अभ्यास, विज्ञान दीआं खोजां ने मनुखी जीवन नूं की बना दिता है। विज्ञान दीआं खोजां ने मनुखी जीवन नूं बहुत ही सुखाला बना दिता है। आधुनिक युग नूं विज्ञान दा युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि आधुनिक युग दे विच विज्ञानिक खोजां दे कारण ही हर चीज़ आसान ते सरल हो गई है, इसलिए अज दे युग नूं विज्ञानिक युग कहा जाता है। विज्ञानी किस नूं आखदे हन? जो विज्ञान दे खोज खेतर विच खोजां करदे ने उहनां नूं विज्ञानी कहा जाता है। टैलीफोन की खोज किस विज्ञानी ने की सी? थॉमस अल्वा एडिसन ने। बिजली के खेत्र में थॉमस एडिसन ने कौन सी खोज की? बल्लब की। अगे है MCQs, हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर हेठां दिते खानिया विचों चुनो। थॉमस एडिसन कौन सी? थॉमस एडिसन एक विज्ञानी सी। थॉमस एडिसन किस देश का नागरिक सी? अमरीका का। थॉमस एडिसन घर विच किसने सिक्ख्या प्रदान की? माता ने। गड्डी विच अग लगन की घटना कारण प्रबंधक द्वारा मारे थप्पड़ कारण एडिसन का केड़ा अंग प्रभावित होया? कन्न। एडिसन ने किस बच्चे की जान बचाई? स्टेशन मास्टर के बच्चे की जान बचाई सी। हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर एक दो वाकों विच लिखो। ऊड़ा, महान प्राप्तियां लई किस चीज़ की लोड़ हुंदी है? महान प्राप्तियां लई मेहनत, सच्ची लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति अते कुछ कर विखाउण दी चाह दी लोड़ हुंदी है। एडिसन ने देर नाल क्यों बोलना सिख्या? क्योंकि एडिसन नूं बचपन विच पीला बुखार हो गया सी अते कमजोरी दी वजह नाल ही उसने देर नाल बोलना सिख्या सी। प्रयोगां लई लोड़ीं दे साधनां दी पूर्ति लई एडिसन ने की करना शुरू कर दिता? अपने प्रयोगों लई लोड़ीं दे साधना की पूर्ति लई उसने गड्डी विच अखबारां, टॉफियां, फल आदि बेचने शुरू कर दिते सन। एडिसन ने केड़ी अखबार छापनी शुरू कीती? एडिसन ने हिगल्ड नां दी हफ्तावारी अखबार छापनी शुरू कर दिती सी। टैलीफोन विच सुधार लई एडिसन ने किस चीज़ की खोज की? टैलीफोन विच सुधार लई उसने कार्बन माइक्रोफोन की खोज की, जिस नाल टैलीफोन की ध्वनि पहुँच विच वाधा होया। एडिसन ने अपनिया किन्निया खोजा के पेटेंट करवाए? एडिसन ने अपनिया 1093 खोजा के पेटेंट करवाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाकों के विच दिओ। थॉमस एडिसन के जन्म और बचपन बारे तुसी की जानते हो? एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 ईस्वी विच अमरीका दे ओहियो राज दे मिलन शहर विखे होया। एडिसन अपने माता पिता की 7वीं संतान सी। बचपन विच उसनों पीला बुखार हो गया सी ते बहुत कमजोरी भी सी, जिस कारण उसने देर नाल बोलना शुरू किया सी। अगला प्रश्न है, एडिसन स्कूल विच सिक्ख्या प्राप्त क्यों ना कर सकिया? उन्हां दिनां विच स्कूल बहुत ही घट हुंदे सन अते एडिसन उसदे माता पिता ने एक पादरी द्वारा चलाए जाते स्कूल विच भेजिया, पर बचपन तो ही खोजी सुभा दा होण करके वह अक्सर अध्यापकों तो प्रश्न पुछदा रहिंदा सी, जिस करके अध्यापक उस तो तंग आ गए अते कुटमार करके उसनूं स्कूल विचों कढ दित्ता गया सी। एडिसन ने टैलीग्राफ मशीन किवें तैयार की? एडिसन नूं जदों एक स्टेशन मास्टर ने टैलीग्राफी मशीन विखा के उस बारे पूरी जानकारी दी, तो उसने अपनी टैलीग्राफी मशीन तैयार करने लई यतन शुरू कर दिते। इसलिए ही चाहीदियां कुंजियां उसने फालतू समान विचों आप ही बना लिया ते अपने दोस्त दे घर दा संबंध स्टोव दी फालतू तार नाल ही जोड़ लिया अते एडिसन द्वारा तैयार की टैलीग्राफ मशीन द्वारा एक दूजे नूं सुनेहे भेजते रहिंदे सन। तार बाबू की नौकरी करते हुए घंटी बजाने लई एडिसन ने की प्रबंध किया? तार बाबू की नौकरी करते समय एडिसन नूं रात भर जागना पैंदा सी, जिस कारण उसने रेलवे की दीवार घड़ी की वड्डी सूई का संबंध टैलीफोन की टैलीग्राफ नाल जोड़ दिता। जदों वड्डी सूई 12 दे निशान ते पुज जांदी तां घंटी मारन लई मशीन का बटन अपने आप ही चल पैंदा अते सारे स्टेशनां ते इक्को समय घंटी अपने आप ही वज जांदी। अगला प्रश्न है, एडिसन किहो जिहे व्यक्तित्व का मालक सी? एडिसन एक बहुत ही मेहनती अते दृढ़ इरादे वाला विज्ञानी सी। उसने एक बार मन विच जो ठान लिया उसनों पूरा करन दी उह दिन रात एक कर दिंदा सी।
हाँ जी, नैक्सट है हेठ लिखे शब्दों या मुहावरिया की वाकों में वरतों करो। विज्ञानी थॉमस अल्वा एडिसन एक महान विज्ञानी सी। दृढ़ इच्छा शक्ति, एडिसन दृढ़ इच्छा शक्ति का मालक सी। कारोबार, अमन का कारोबार बहुत चंगा चलता है। जिम्मेवारी, एडिसन की पढ़ाई की जिम्मेवारी उसकी माँ ने सांभ ली सी। प्रयोगशाला, एडिसन अपनी प्रयोगशाला घर में ही बनाई एडिसन ने। भंडार, थॉमस एडिसन गुणा का भंडार सी। अपाहज, राम छोटे होंदया ही अपाहज हो गया सी। एहसानमंद, तुसी मेरी इन्नी सहायता की है, मैं तुहाडा एहसानमंद हाँ। ग्रामोफोन, एडिसन ने ग्रामोफोन की खोज की सी। सन्मान, एडिसन नू देशां विदेशां तो भी सन्मान मिलिया सी। अपनी धुन विच मगन होना, राम सदा अपनी ही धुन विच मगन रहिंदा है। दंग रह जाना, ओह मेरी सफलता नू वेख के दंग ही रह गया। दिन रात एक करना, थॉमस ने खोजा करन वास्ते दिन रात एक कीता सी। सदीवी विछोड़ा दे जाना, एडिसन 1931 ईस्वी विच संसार नू सदीवी विछोड़ा दे गए। प्रश्न नंबर 5, हेठ दिते वाकां विचों सही शब्द अगे सही अते गलत वाक अगे गलत दा निशान लगाओ। सफलता प्राप्ति लई सिर्फ साधना दी लोड़ हुंदी है, मेहनत दी नहीं। नहीं, एडिसन अपने माता पिता दी 7वीं संतान सी। हाँ जी, एडिसन स्कूल विच बहुत सफल विद्यार्थी सिद्ध होया। जी नहीं, एडिसन बहुत आलसी अते कमज़ोर व्यक्ति सी। नहीं, एडिसन ने पहला व्यापारक बल्लभ तैयार किया। जी नहीं, थॉमस एडिसन अपनी खोजों के कारण इस संसार विच सदा अमर रहेगा। सही। व्याकरण अभ्यास, हेठ लिखे वाकों विचों विशेषण शब्द चुन के उसकी किस्म भी बयान करो। एडिसन बहुत महान विज्ञानी सी, सॉरी मेहनती विज्ञानी सी। विशेषण शब्द है मेहनती, किस्म है गुणवाचक। उन्होंने 7 बच्चे सन। 7 संख्यावाचक विशेषण। उसनू पीला बुखार बीमारी ने घेर लिया, उसनू निश्चयवाचक विशेषण। यह बिजली का बल्लभ है, यह निश्चयवाचक विशेषण। एडिसन ने बहुत सारिया खोजा कीतियां, एडिसन पड़नामी विशेषण। एडिसन ने 1093 खोजा के पेटेंट करवाए, एडिसन पड़नामी विशेषण। अगे है हेठ लिखे शब्दों के 2-2 समानार्थक शब्द लिखो। पहला है प्राप्ति। प्राप्ति भाव हासिल करना जां किसी चीज़ नू पा लेना। साधन सोमे विकल भी हो सकता है। दृढ़ पक्का ठोस, चाह इच्छा चाहत, योग काबिल लायक, संतान बच्चे औलाद, कारोबार कामकार काम धंधा, रुचि दिलचस्पी रीच। सो ये सी साडा अभ्यास। धन्यवाद।